हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम 9:30 बजे कृषि प्रश्नों का लाइव टेस्ट कराया जा रहा है। आज के कृषि प्रश्नों का टेस्ट चलिए शुरू करते हैं। आपको एक प्रश्न के जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है, सघन पशु कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आलू उत्पादन से, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पनामा रोग किस फसल में होता है? इसका सही जवाब है केला में, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है 4 जोड़ी, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही जवाब है जलोढ़ मृदा का, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा रक्षा के फसल है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सभी है। ये सभी फसलें मृदा रक्षक फसलें हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, संकर धान की खेती सर्वाधिक कहाँ पर लोकप्रिय है? इसका सही जवाब है चीन में, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मटर की पत्ती विहीन जाति है? इसका सही जवाब है अरपड़ा, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? इसका सही जवाब है बीज से, ऑप्शन बी इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही जवाब है सरसों, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है झांसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सभी पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? इसका सही जवाब है ह्यूमस से, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ? इसका सही जवाब है 9 मई 2015, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया?
इसका सही जवाब है पांडिचेरी, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया? इसका सही जवाब है 1960 में, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है रांची में, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 1979 में, ऑप्शन सी इसका सही है। दोस्तों, यह टेस्ट जो हो रहा है मेमोरी बेस्ड टेस्ट है। हमारे चैनल पर कृषि प्रश्नों का व्याख्या सहित प्रिपेयर कराया जाता है, तो कृषि प्रश्नों का व्याख्या सहित प्रिपेयर करने के लिए आप इस सीरीज को जाकर ज़रूर देखना। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपकी परेशानी तुरंत दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 16 सितंबर को, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बेर का फल किस प्रकार का होता है? इसका सही जवाब है ड्रॉप, ऑप्शन ए इसका सही है। तो दोस्तों, आज का टेस्ट समाप्त हुआ। हमारी वीडियो तो दोस्तों, हमारी क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर कृषि के समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं की बेसिक से तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।